हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ क्लास 9। तो हम 7 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 8th क्वेश्चन आ रहा है। सेम मूवी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, अगर आपको आइडेंटिटी लर्न होगी तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हो। 8th का सेकंड पार्ट मैं आपको कर रहा हूं। क्वेश्चन की हेडिंग क्या है? फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने का मीनिंग क्या है? पावर रिड्यूस करना है। तो आपको ये देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी इसके अंदर। क्वेश्चन को देखते ही ऑब्जर्व करते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो मैंने देखा कि ए क्यूब बी क्यूब आ रहा है, इट मींस एक्स प्लस वाई का क्यूब। किसकी? एक्स प्लस वाई का क्यूब या फिर एक्स माइनस वाई का क्यूब, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी। अब माइनस आ रहा है दो बार, इसका मतलब मेरे को पता लगे कि एक्स माइनस वाई का क्यूब लगने के ज्यादा चांसेस है, मीन्स ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो अब मेरे को इस क्वेश्चन से ये वाली आइडेंटिटी तक कैसे पहुंचना है, लेट्स सी। बहुत आसान है, देखो कैसे कर सकते हो। 8a का क्यूब आप कैसे लिख सकते हो? 2a होल। थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। और a क्यूब को क्या लिखेंगे? आप बनेगा a का होल क्यूब। तो मैंने कंप्लीट 2a का होल क्यूब कर दिया। हां जी, माइनस का b क्यूब है। अब या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि प्लस माइनस b का होल क्यूब। माइनस बी का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? माइनस का बी क्यूब आएगा, और प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा? माइनस का हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो और यहाँ पे प्लस लगा दो। बी का क्यूब बी क्यूब और ये आ गया माइनस का ए क्यूब माइनस बी। अब देखो 12a² b को क्या लिख सकते हो आप? माइनस 3, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। देखो कॉमन क्या है, 3ab 6ab कॉमन आ रहा है, 6ab कॉमन आने के बाद क्या होता है? माइनस का 6ab कॉमन हो गए तो यहाँ पे बच जाएगा 2a माइनस बी। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। 6ab को क्या लिख सकते हो? 3 2ab और ब्रैकेट में क्या है? 2a माइनस बी। अब आप उस आइडेंटिटी से मैच कर लो। देखो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3, मैं लिख देता हूं आप करना, x क्यूब माइनस y माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस y। देखो दोनों सिमिलर है या नहीं है, मैच कर दो। 2a का होल क्यूब x का होल क्यूब, y का क्यूब y का क्यूब, b का क्यूब मींस y का क्यूब, माइनस का माइनस, 3 का 3, 2ax तो फर्स्ट ब्रैकेट में 2a, यहाँ पे भी फर्स्ट क्या है x, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, फिर b की वैल्यू क्या है? y, बिल्कुल सिमिलर है। x माइनस y, देखो 2a माइनस b, x माइनस y 2a माइनस b, बिल्कुल सिमिलर है। इट मींस ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी से बिल्कुल सिमिलर है, और इस आइडेंटिटी को हम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं? x माइनस y का क्यूब। क्या लाइक कर सकते हैं? x माइनस y का क्यूब। ये हो गया फर्क, x फर्स्ट ब्रैकेट से मेल खाता होता है, क्या चीज कॉमन बन रही है? x की वैल्यू क्या बनेगी? 2a माइनस y की वैल्यू क्या बनेगी? ब्रैकेट में क्या? b, और होल पावर क्या? क्यूब। और क्यूब का मीनिंग क्या है कि उस डिजिट को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख लो। तो कैसे लिखा मैंने? 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। देखो फैक्टराइज का मीनिंग क्या है, पावर क्या थी? 3, और रिड्यूस करके हमने पावर क्या बना दी? 1 पावर बना दी। मल्टीप्लाई है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत आसान है फैक्टराइज करने के लिए, आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपने बना लेना है। फिर आपने एक्स और वाई की जो भी आइडेंटिटी में है, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू बनेगी वो आपने इसमें पुट कर दी, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसी का ही आपको एक पार्ट और करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, फिफ्थ पार्ट करवा रहा हूं उसका। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 27p का क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 अपॉन 2p² प्लस p अपॉन 4। यह आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को देखते ही आपको तरीका आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x माइनस y का क्यूब भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक्स माइनस वाई का क्यूब। अब कैसे लगाते हैं, पता कैसे लगाएंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? हाँ जी, 27p का क्यूब क्या लिख सकते हैं? 3
प्रतिसरण किसका क्यूब होता है 3 का, और p 3p का होल स्क्वायर माइनस 1/216। अब 216 आपको पता होना चाहिए कि किसका क्यूब है, नहीं पता तो आप प्राइम फैक्टर करके पता लगा सकते हो, 1/6 का क्यूब। अभी देखो 9/2p² + p/4, चाहो तो वैसे कर लो कॉमन लेके कर लो, या फिर मतलब आपको पता लगे यहाँ से क्या वैल्यू आएगी तो आप डायरेक्ट के लिख दो 3xy, x क्या है 3p, y क्या है 1/6, आगे ब्रैकेट में क्या है x माइनस y, 3p माइनस 1/6 मीन्स अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा, आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट हमें सॉल्व नहीं करना, हमें यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है। डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे 3p माइनस 1/6 का ऑल क्यूब, ये आपका फैक्टराइज करके आइडेंटिटी बन गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये पता लगाना कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी इसके अंदर, बस उसी से आपको पता लगना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। बहुत आसान है, कोई डाउट आए तो आप डिस्कस कर लेना। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, बहुत आसान है, डायरेक्ट आप एज ए आइडेंटिटी भी लर्न कर सकते हो बाद में इसको, पहले हम प्रूफ करना सीख लें कि कैसे प्रूफ करना है। x³ + y³ = x + y x² - xy में क्या जाएगा y का स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि x³ + y³ किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को चूज करेंगे, राइट हैंड साइड को चूज करके मल्टीप्लाई करके हम ये बना देंगे। लेट मी लेट चेक x + y x² - xy + y² मल्टीप्लाई करना आता है, बहुत आसान है। हाँ जी, पहले x का सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को मल्टीप्लाई किया कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, क्लियर, और फिर y का कंप्लीट ब्रैकेट के साथ x² - xy + y² पहले x का मल्टीप्लाई कर दिया सभी के साथ, फिर y का मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी के साथ। हाँ जी, x² के साथ किया x का क्यूब, x किसके साथ किया x² y, x का मल्टीप्लाई किया y² के साथ xy², बहुत आसान है। y का करो x के साथ yx², y का करो इसके साथ xy², और y का करो y के साथ y का क्यूब। अब देखो आप कुछ कट रहे हैं, x² y माइनस का प्लस का, ये क्या हो गया आपका कैंसिल, xy² प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या रिमेनिंग रहा x³ और y³, कर दिया प्रूफ। राइट हैंड साइड को चूज किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट बन गई = LHS, ये क्या होगा आपका हैंड स्ट्रोक, HP का मीनिंग क्या है हैंड स्ट्रोक, जो आपको प्रूफ करना था आपने प्रूफ कर दिया, या वेरीफाई करना था आपने वेरीफाई कर दिया। सेम इसका सेकंड पार्ट, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करो, इसे राइट हैंड साइड को चूज करना, मल्टीप्लाई करना, आपको लेफ्ट हैंड साइड डिजिट बनेगी। फिर आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट एज ए आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9, 10, जो 10 क्वेश्चन है उसमें आपको ऐसे डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करनी है। 9th क्वेश्चन में जो आपने वेरीफाई किया वो आपने 10th में डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो क्या करना है, 27y³ + 125z। अब देख लो आपको पता लगा 9th में हमने क्या आइडेंटिटी की थी, x³ + y³, दो ही टर्म थी, क्यूब की फॉर्म में थी, इसमें भी दो ही टर्म है क्यूब की फॉर्म में, मींस हम इसको डायरेक्ट एज क्या लिख सकते हैं, x + y x² - xy + y का, यस और नो, यस, x² + y को भी करेक्ट कर सकते हैं, x + y (x²) - xy + y² अब हमें पता लगाना है कि x और y क्या है, x और y पता लगाना है, हां जी 27y³ किसका क्यूब होता है 3y का होल क्यूब, हां जी 125z³ किसका था 5z का होल क्यूब, तो आंसर क्या आएगा x + y, हां जी x की वैल्यू क्या है फर्स्ट ब्रैकेट में 3y, y की वैल्यू 5z, तो क्या बन गया 3y + 5z, इस ब्रैकेट में क्या लिखना है x का स्क्वायर, मीन जो फर्स्ट ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y का स्क्वायर माइनस x * y का मीनिंग क्या, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 5 = 15, y मल्टीप्लाई z
वाई जेड और वाई टच कर मीन सेकेंड ब्रैकेट टच कर, फाइव जेड टच कर क्या होगा 25z स्क्वायर। तो आसान है या नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। आइडेंटिटी अगर आपको लर्न होगी तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, 11th में भी आपने डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करनी है। 11th क्वेश्चन में क्या करना आपको, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz -9xyz, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या करना आपने, फैक्टराइज करना है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। तो आपने फैक्टराइज करने के लिए क्या करना, आपको मैं बता दूं जो सबसे लास्ट में आइडेंटिटी लिखी थी वो हम यहां पे यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी थी मैं आपको बताता हूं, x³ + y³ + z³ - 3xyz। अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आप इसे क्या राइट कर सकते हो, याद होगा अगर आपको x + y + z (x²+y²+z²) - xy - yz - xz, ये आपकी आइडेंटिटी है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है तो आप ये आइडेंटिटी उसमें यूज कर सकते हो। तो हम आपसे पहले ये देखेंगे कि ये किसका क्यूब है, इसकी सिमिलर है या नहीं है, x³, x³, y³, z³, 3xyz में इसी से सिमिलर क्वेश्चन है। तो हाँ जी, 27x³ किसका क्यूब होता है, 3x³ प्लस y किसका क्यूब होगा, y³ क्यूब क्या लिख सकते हैं, y का होल क्यूब, और z³ क्यूब को क्या लिख सकते हैं, z का होल क्यूब, और 9xyz को क्या लिख सकते हैं, 3xyz। अब देखो इससे सिमिलर हो रहा है, x किस जगह 3x आएगा, x की जगह 3x आएगा, और 3 × 3 = 9, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इसके जैसा, बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिटी लग रही है। तो आइडेंटिटी लगाने के बाद आपका आंसर क्या होगा, ये जो पूरा कंप्लीट डिजिट है आपका आंसर होगा, बट इसमें x के प्लेस पे क्या राइट करना पड़ेगा, 3, y के प्लेस पे तो y आएगा क्योंकि सिमिलर है, z के प्लेस पे z आएगा, बट जहां पे आपको इसमें x है वहां पे आपको 3x राइट करना है। सॉल्व करते हैं, x के प्लेस पे क्या राइट करना पड़ेगा, 3x, y तो सिमिलर आ रहा है, z भी सिमिलर आ रहा है, बट x के प्लेस पे क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, तो x के प्लेस पे 3x, बाकी सिमिलर, x के प्लेस पे 3x, y का y, z का z, x के प्लेस पे 3x आएगा, तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x² 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x², y की जगह y सेम, z का z सेम, माइनस x के प्लेस पे 3 पुट करना, 3x, तो 3xy, yz तो सेम, x के प्लेस पे 3x, तो 3x, ये आपका फैक्टराइज होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आइडेंटिटी लगनी थी उसके अकॉर्डिंग हमने फैमिलियर करके जो भी सिमिलर आइडेंटिटी थी, जो भी उसका आइडेंटिटी का सॉल्यूशन था वो हमने राइट कर लिया, ये आपका फैक्टराइज होगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है आप वापस डिस्कस कर लेना, ये क्वेश्चन जो है आप वीडियो पॉज करके पहले रफ नोटबुक में नोट डाउन करो, फिर इनकी 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन ईजी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको राइट हैंड साइड डिजिट है वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड में जो डिजिट गिवन है, जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसका आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे आपका सेम आइडेंटिटी बन जाएगी, इट मीन दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, x + y + z = 0 हो गिवन है आपको, इफ x + y + z = 0 तो आपको शो क्या करना है, x³ + y³ + z³ = 3xyz, ये आपको शो करना है। अब देखो आइडेंटिटी बता रहा हूं आपको, क्या थी, x³ + y³ + z³ - 3xyz = इसकी आइडेंटिटी क्या है, x + y + z और मल्टीप्लाई में कुछ आएगा। अब देखो अगर x + y + z की वैल्यू 0 होगी, 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0, मींस इक्वल में क्या आएगा, 0, आई बात समझे, x + y + z की वैल्यू 0 है तो 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा, 0, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, 0, लेफ्ट हैंड साइड में सारी डिजिट आएगी, x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब माइनस की डिजिट का शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, x³ y³ z³ माइनस का 3xyz कहां शिफ्ट होगा, प्लस में 3xyz, और यही आपको प्रूव करना है, x + y + z 0 गिवन है
ये आपको प्रूव करना था। पहले उसके डेरिवेटिव लिखी, एक्स प्लस वाई जेड की जगह जीरो पुट किया, जीरो को मल्टीप्लाई किया, जीरो हो जाएगा, माइनस वाली डिजिट का शिफ्ट कर दी प्लस में, यही आपको प्रूव करना था। ये क्या आपका आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत है आप डिस्कस करना। 14 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। 14 क्वेश्चन कैसे करना, डायरेक्ट आप यूज करेंगे 14 क्वेश्चन में जो अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया, क्या प्रूव किया हमने, इफ x plus y plus z is equals to 0, तो we can say x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz। ये अब आप डायरेक्ट यूज करेंगे कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, माइनस 12 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 5 का। अब देख लो x y z, माइनस 12 y क्या है 7, z क्या है 5, तीनों का सम क्या है 0 आ रहा है, 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 0 आ रहा है, मींस x प्लस y प्लस z क्या है 0 आ रहा है। तो x क्यूब y क्यूब और z क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के। तो ये आइडेंटिटी वापस से लिखिए, 3 x की वैल्यू क्या है माइनस का 12, y की वैल्यू क्या है 7 और z की वैल्यू क्या है 5, माइनस y रहेगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 36, 36 को कर लो 5 से 180 और 180 को कर लो 7 से, तो 1260 ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखो अगर आप 12 का क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं, बहुत आंसर रहता, बट आइडेंटिटी से क्या होगा, अगर x plus y plus z equals to 0 है तो x cube plus y cube plus z cube किसके इक्वल होगा 3xyz के। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप ट्राई करना, कोई भी डाउट आता है तो आप डिस्कस कर लेना, जो भी क्वेश्चन होंगे आप प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच।